केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बीते दिनों पटना पहुंचे थे और बिहार में उनका स्वागत तो किया गया, लेकिन एक अलग तरीके से स्वागत किया गया। दरअसल जो उनके विरोधी थे उन्होंने उन पर जला हुआ कोविल फेंका। उसके बाद अब एक बड़ी घटना सामने आई है। हालांकि पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन उसके बाद जो नई खबर है, जो बड़ी खबर है, वो ये है कि पशुपति पारस को जान से मारने की धमकी मिली है। पशुपति पारस ने इसके खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कराया है। बताया है कि एक अनजान नंबर से उन्हें कॉल आया था, उन्हें जमकर गालियां दी गई थी, बहुत ही भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। तो इस संबंध में उन्होंने FIR दर्ज करा दिया है। अज्ञात नंबर से कॉल आया था, वो उन्होंने कहा है कि उन्हें विरोधी जो है वह मारना चाहते, उनकी हत्या हो सकती है। तो एक बहुत बड़ी बात पशुपति पारस ने कह दी है। बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में इस बयान के बाद काफी तेजी से चर्चाएं शुरू हो गई है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। पशुपति पारस ने जो आरोप लगाए हैं वह बेहद गंभीर है। आखिर किसने कॉल किया, क्या कुछ वजह है? आपको याद होगा कि पशुपति पारस लगातार अपने भतीजा पर, जो चिराग पासवान है, जमुई के सांसद हैं, उन पर लगातार गंभीर आरोप लगाते रहते हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। उसके ठीक एक दिन बाद उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया और फिर उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कराया है। तो पशुपति पारस ने FIR दर्ज कराया है, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। अमित शाह से उन्होंने Z+ की सुरक्षा मांगी है। उन्होंने कहा है कि उनके जान को खतरा है, उनकी हत्या विरोधी कभी भी करा सकते हैं। साथ ही साथ बिहार में जो कुछ भी उनके साथ हुआ, जिस तरीके से उन पर मोबिल फेंका गया, उन्हें काली स्याही फेंकी गई, तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम सुरक्षा की मांग करते हैं, क्योंकि बिहार में जब वो आते हैं तो एक तरफ जहां उनके समर्थक काफी उत्साहित रहते हैं, वही दूसरी तरफ जो उनके विरोधी है वह चाहते हैं कि इन्हें नुकसान पहुंचाया जाए और इस तरह की हरकतें करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात पशुपति पारस ने कह दी है। उन्होंने जो खुलासा किया है कि उन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया और उसके माध्यम से वह उन्हें खूब गालियां दी गई है, साथ ही साथ जान से मारने की धमकी दी गई है। पशुपति पारस काफी डरे हुए हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर FIR दर्ज कराया है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उन्होंने FIR दर्ज कराया है और इसको लेकर जो पशुपति पारस गुट, जो लोजपा के पारस गुट के नेता हैं, उन्होंने FIR दर्ज कराया है। साथ ही साथ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की है। लगातार चिराग पासवान पर पशुपति पारस जो है वह आरोप लगाते रहे हैं। ठीक दो दिन पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि चिराग पासवान तानाशाही करने लगे थे पार्टी में। जब हम बिहार में प्रदेश अध्यक्ष थे तो पार्टी ने काफी सफलता प्राप्त की थी, लेकिन उन्हें बेवजह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया था। साथ ही साथ उन्होंने यहां तक कहा था कि हमने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी, विकास पुरस्कार कह दिया, तो उन पर कार्रवाई की बात भी उन्होंने कह दिया था। तो इन तमाम तरह के आरोपों को लेकर चिराग पासवान पर खूब बरसे पशुपति पारस, लेकिन ठीक एक दिन बाद जब एक अनजान नंबर से कॉल आया तो अब उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि उनके जान को खतरा है। क्या कुछ इस मामले को लेकर खुलासा होता है? तमाम अपडेट्स NBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।